हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। और देखिए, अभी मैं सुबह उठी थी और तो अभी अभी मैं दिया लगा के आई हूँ। खेत में गई थी देवताओं पे दिया लगाने के लिए। मैं और रवि जी गए थे, बच्चे सो रहे थे, तो अभी आई हूँ। टाइम हुआ है 7:30 बजे हुए हैं, तो मैं निकल गई थी सुबह ही सुबह। और मुझे ले जाने थे चिल्ले और खीर बना के। फिर मैं ले गई नहीं, क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी को चावल या खीर, मतलब चावल की कुछ भी चीज हो, ऐसे नहीं बनाते। इसी वजह से बस मैं प्रसाद ही लेके गई थी और दिया बत्ती कर आई हूँ। और जब आई थी तो मीनाक्षी दिया लगा रही थी घर में। देखिए, घर का भी दिया बत्ती हमने कर लिया, घर की पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। और इनसे भी मिल लीजिए, इनसे भी मिल लीजिए, ये भी गई। आप बताइए, आप कहाँ चल दिए? मैं तो काम कर रहा हूँ। और देखिए, बच्चे अभी तक सो रही है, 7:30 बजे हैं। और मैं ना आपको दिखा दी रसोई में क्या बना रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, हम सुबह के नाश्ते में बना रहे हैं नमक के जगह। तो नाश्ते में सबसे पहले तो ये आलू छोक दिए हैं, इनमें पानी डाल के रख देंगे। फिर बाद में जब इसमें खद्दा लग जाएगा, उसके बाद जब डाल देंगे। लड्डू लग गया अपने थाले पर, दिल्ली का ही वही काम है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मुझे देना है जल शिवलिंग को और सूर्य देवता को। देखिए, बाल्टी में एक भारी पानी ले आती हूँ, स्वच्छ पानी, और उसमें ले आती हूँ लोटा। तो इसी बाल्टी में से फिर मैं एक एक लोटा करके, आज तो संडे है तो तुलसा माता को तो मैं देने की नहीं, बस शिवलिंग को चढ़ाऊंगी और सूर्य देवता को। तो चलिए, अब मैं जल चढ़ा देती हूँ। और देखिए, हमारे जवे बनके तैयार हो चुके हैं। जिस जिसको जवे पसंद है वो आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए आपकी। और इधर चाय भी तैयार है। सबसे पहले करेंगे हम ठाकुर जी का। और पापा जी आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय हमारी गर्म हो रही थी ना, तो ठाकुर जी हमने चाय ठंडी कर ली, पानी में ठंडी कर लेते हैं फिर ये गर्म गर्म चाय जब हम नहीं पी पाते तो ठाकुर जी कैसे पी पाएंगे। हाँ।
मंदिर में बैठे थे हमारे ठाकुर जी, तो मंदिर में हम खाना नहीं खिलाते, इनके सिंहासन पे बिठा के ही खाना खिलाते हैं। भाई अपना अपना तरीका है पूजा पाठ करने का, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। तो चलिए अब ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, फिर देते हैं पापा जी को नाश्ता। सबुन वहीं रखिया, लेकर आई थी वा घोड़ दी। अच्छा ले आ, देख दीदी दूध मांग रही। दूध आने लग रहा। और देखिए हमने खाने में बनाई है शिमला मिर्च की सब्जी, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनाई अभी, मतलब पूरी नहीं बनी, कम कम आंच में रख रखी, अच्छी तरह मसाला वसाला बना के, प्याज और टमाटर का। देखिए कितनी अच्छी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अभी कम आँच है। हाँ नहीं अभी तो पतली, मगर रस्से से डर। देखिए हम ना चटनी बना रहे हैं, वैसे तो सब्जी हमने बनाई है, सब्जी में शिमला मिर्च, और आज ना बड़ा मन था चटनी का, तो ये हरी लाल मिर्च और धनिया और प्याज, रीतु प्याज और लहसुन छील रही, इसकी हम चटनी बनाएंगे। चटनी बना के रख देते हैं कि यह है कि सब्जी के साथ भी चटनी बहुत अच्छी लगती है, मट्ठा हो जाता है साथ में। लड्डू क्या बोल रहे हैं? हाँ नहावे क्या तू? नहाई नहीं, नहा ली तू? नहा ली लड्डू? ए लड्डू देख दीदी को, देख इधर। यस रिद्धि गुनु आई, देख कपड़े पिना दिए। अभी रिद्धि के लिए ना दूध आने लग रहा है, इसकी मम्मी लेके आने लग रही है। ए रिद्धि रिद्धि देख तो इधर, तो कर ए बिरट जी बिरट। किलसाया बहुत। यह लड़की किलसती है बहुत। अभी नहा धो के फिट होके बैठी दूध के इंतजार में, दूध का इंतजार है, कभी कभी पी लेगा ये। तो सिस्सी तो पी गया, लड्डू ने छोड़ दिया, बड़ा नहीं होगा ए लड्डू, अब तो सिस्सी का छोड़ दिया लड्डू ने पीना, कब सा पी ले लड्डू तो ना। अब लड्डू सिस्सी का दूध नहीं पीता, कब से एक गिलास से पी ले। ये लड्डू जा गेट के पीछे तोलिया है, दीदी को दे दिए, जा उतार के ला। गेट के पीछे तोलिया, गेट के पीछे, गेट के पीछे बब्बू का तोलिया है, मिष्टी का, मिष्टी दीदी का तोलिया है गेट के पीछे, उतार कर लिया ब्लू कलर का।